इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इसमें तो आएंगे टेस्ट मैच। आर यू श्योर इट विल बी टफ? आर यू श्योर? इंडिया ने जो 16 अपनी टीम अनाउंस करी है उसमें उसकी एक वजह ही है, अगर बांग्लादेश हमें फेटा नहीं लगाती ना दो मैचों का, व्हाइट वॉश नहीं करती, तो मेरा ख्याल है बुमराह नहीं होता। स्पिरिटेड बांग्लादेश है और उसके सामने तगड़ी टीम इंडिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो गलती पाकिस्तान ने की थी वो गलती इंडिया ने, कि हम किसी भी एंगल से बांग्लादेश को यहाँ, वो कहते हैं ना कि डिसरिस्पेक्ट हो जाती है कि हल्की टीम आ रही है तो आप उसको ये समझो कि नहीं जी वो हमारे किसी मुकाबले में नहीं है, और वही आपको सरप्राइज आपके बैकयार्ड में करके चले जाए। कि गौतम गंभीर है, किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहेंगे वो। इंडिया एक चीज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि डजंट मैटर मैच कौन जीता है, व्हाट मैटर्स इज दैट कि सीरीज कौन जीता है। वो सीरीज की बात करते हैं, वो मैच की बात नहीं करते हैं। मतलब अगर वो अपना स्क्वाड बनाते हैं या अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं तो उनका फोकस यहाँ पर होगा कि हमें सीरीज विन करनी है। बीसीसीआई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, वो उसी टीम के साथ गया जो टीम इंग्लैंड के साथ खेली थी और उन्होंने उसी टीम के साथ जाने का फैसला किया। इंडिया के पास जो स्पिनर है ना, एक स्पिनर हमें भी दे दो भाई, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वर्ल्ड क्लास स्पिनर, और चारों को बैटिंग आती है। लेकिन मोरल बहुत हाई होगा बांग्लादेश का, पाकिस्तान से जीत के जा रहे हैं वो, हमारी जैसी भी टीम थी, एक सीरीज 2-0 जीत के जाना इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान से बेहतर बैटिंग बैट्समैनशिप इंडिया की है, घास वाली विकेट भी बनाते हैं तो बैट्समैनशिप इंडिया की अच्छी है। 5 या 6 लेफ्ट हैंडर का एडवांटेज बांग्लादेश को हो सकता है, लेकिन बुमराह और सिराज जो है वो बहुत भारी पड़ जाएंगे। इंडिया के पास ये वो जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये बड़ा पटाखे का कॉम्बिनेशन है, मतलब बनाओगे तो चस आ जाएगी। बांग्लादेश का घंटा बजेगा। 10 मैच के लिए अनाउंस किया टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश राइडिंग वेरी हाई, व्हाइट वॉश करके गए पाकिस्तान का, इन पाकिस्तान और विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऑल देयर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इसमें तो आएंगे टेस्ट मैच। आर यू श्योर इट विल बी टफ? आर यू श्योर? नहीं, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज, ऋषभ, जुरेल, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, टर्निंग ट्रैक आ रहा है जोरदार किस्म का, आकाशदीप, धीराज, बुमराह, यश दयाल, पिच ऐसी होती है, स्पिनर्स काफी रखे हैं जो होते हैं, अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल तो खेलते ही। इंडिया कोई भी टीम आ जाए इंडिया में, इंडिया से बाहर डोमिनेट तो करती है वो, लेकिन मोरल बहुत हाई होगा बांग्लादेश का, पाकिस्तान से जीत के जा रहे हैं वो, हमारी जैसी भी टीम थी, एक सीरीज 2-0 जीत के जाना इंडिया में। नहीं होता है ना कि कुछ करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज है, जैसे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश किया, उसके बाद बांग्लादेश की फॉर्म खुल गई है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम ने अपना रिवाइट से जरा हटकर अपना स्क्वाड अनाउंस किया। इसके अंदर केएल राहुल की वापसी हुई, केएल राहुल के बाद बुमराह की वापसी, बुमराह के बाद शिपन की वापसी, ये स्क्वाड अब तक का इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड समझा जा रहा है, क्योंकि स्क्वाड के अंदर विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, उसके अलावा रोहित शर्मा, ये 4 अटैकिंग बल्लेबाज मौजूद है इंडिया के पास, जो कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग कवर अप करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की, तो बॉलिंग अब तक की सबसे बेस्ट बॉलिंग है अश्विन, जडेजा और बुमराह, ये 3 जो मिडल ऑर्डर स्पिनर और मिडल मैन बॉलर है, ये ऐसे खतरनाक बॉलर है कि बांग्लादेश को क्या कोई भी बड़ी टीम हो उसको तबाह करने के लिए सिर्फ ये 3 बॉलर काफी है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है, उस तरह बांग्लादेश इंडिया को एक मैच भी नहीं हरा सकता, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने स्कोर अनाउंस किया है अब तक का सबसे टफ स्कोर है। क्योंकि अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, अगर बुमराह से खुदा ना खास्ता बांग्लादेश टीम बचती है, तो बुमराह से बचने के बाद जडेजा मजबूत दीवार खड़े, और अगर जडेजा को गिरा दिया तो अश्विन लोहे की दीवार है जिनको गिराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अश्विन से तगड़ा बॉलर पूरे एशिया में, क्या पूरी दुनिया में, क्रिकेट हिस्ट्री में, आज के दौर में कोई भी नहीं है। क्योंकि जैसी क्लासिक स्पिनिंग अटैक अश्विन करते हैं, उनको खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बस इसलिए कहना है कि इंडिया का स्कोर ये बात साबित कर रहा है कि इंडियन टीम इस बात के लिए पुरजम है और वो कोई भी रिस्क नहीं चाहती। इंडियन टीम ये बात पूरी उम्मीद है कि वो इस दफा भी WTC का फाइनल खेलेगी और इस उम्मीद के साथ खेलेगी कि वो WTC का फाइनल जीत। टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, ड्रॉप किया गया था, ही इज नाउ बैक।
ऋषभ पंत जो कि अपनी एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के बाद जो कि एक इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट कलर किट में वापस आए और अब आपको टेस्ट मैच में वापस नजर आएंगे। अभी दुलीप ट्रॉफी के अंदर सरफराज और ऋषभ पंत का थोड़ा सा टीजर हमको दिखी गया और हम मेरे ख्याल से हर कोई एक्साइटेड है ये इंटरनेशनल में जब इंडिया की तरफ से दोनों टेस्ट खेल रहे होंगे और एक ऐसा मौका जरूर आएगा कि जब सरफराज और ऋषभ पंत बैटिंग पे होंगे तो क्या ही कमाल होगा और क्या ही धमाल होगा। अगेन इंडिया ने एक तगड़ा स्पिन स्क्वाड अपने साथ रखा है जो कि बैटिंग भी कर सकता है, जडेजा भी नजर आ रहे हैं, अक्षर पटेल भी नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव भी हैं, सो साथ में आपके कहते हैं रविचंद्रन अश्विन का एक्सपीरियंस भी होगा। जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज बॉलिंग को अटैक जो पेस अटैक है उसको लीड करेंगे क्योंकि जसप्रीत बुमराह दो ही फास्ट बॉलर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो गलती पाकिस्तान ने की थी वो गलती इंडिया ने कि हम किसी भी एंगल से बांग्लादेश को यहाँ वो कहते हैं ना कि डिसरिस्पेक्ट हो जाती है कि हल्की टीम आ रही है तो आप उसको ये समझो कि नहीं जी वो हमारे किसी मुकाबले में नहीं है और वही आपको सरप्राइज आपके बैकयार्ड में करके चले जाए। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया कि लास्ट टूर जब हम करने गए थे तो बांग्लादेश ने भी बड़ा थ्रेट किया था टेस्ट मैचेस में तो किसी भी एंगल से उनको यहाँ लाइट लेने की जरूरत नहीं है। स्पिरिटेड बांग्लादेश है और उसके सामने तगड़ी टीम इंडिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान का घर में घंटा बजा के आ रहा है। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया का स्क्वाड है बीसीसीआई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया वो उसी टीम के साथ गया जो टीम इंग्लैंड के साथ खेली थी और उन्होंने उसी टीम के साथ जाने का फैसला किया। कप्तान रोहित मान शर्मा या यशस्वी जायसवाल मतलब एक्सपीरियंस उस बंदे के पास आ चुका हुआ है, दो डबल अंडर ना उसके, ये जो मेरे घंटे का जेम्बू है ना जेम्बू 10 साल से खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट एक भी इसका डबल अंडर नहीं है तो आप इधर से अंदाजा लगा लो। तीसरे पे आ जाते हैं शुभमन गिल, विराट, किंग कोहली, पापा सबके, सरफराज खान, तो ऋषभ पंत और ग्रेव जुरेल जो है वो इधर आए हैं क्योंकि इधर जुरेल ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी इंग्लैंड वाली सीरीज में और के आर राहुल एज अ विकेट कीपर तो नहीं खेलेंगे। अब मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देखूंगा ना तो उधर मैरिट की मां बहने की होती है, फेवरेटिज्म को प्रमोट किया होता है, लाइक डिसलाइक वाला कल्चर चल रहा होता है, घंटा बजा होता है स्क्वाड का, वापसी घंटे का किंग 15 मैच से कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसको रखा गया हुआ है, मतलब सत्यानाश बेड़ा गरक चाचे मामा सिफारिश वाला स्क्वाड बना। लेकिन जब मैंने इंडिया का स्क्वाड देखा आप मुझे कोई भी ऐसा नाम बताओ जो तुक्के पे आया। अगर बड़े लोग मुझे बोलेंगे के आर राहुल की जगह नहीं थी बनती, सर के आर राहुल की जगह बनती थी, के आर राहुल अगर विकेट कीपर की प्लेसमेंट पे आता तो फिर कहते हैं कि यार ये गलत हुआ है, वो विकेट कीपर नहीं है वो बैट्समैन में आया। इंडिया के पास जो स्पिनर है ना, एक स्पिनर हमें भी दे दो भाई, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव वर्ल्ड क्लास स्पिनर और चारों को बैटिंग आती है, मतलब पटेल, जडेजा और अश्विन तो बैटिंग के मैं कहता हूँ बाप है, कुलदीप यादव भी भाई बैटिंग कर लेता टेस्ट क्रिकेट में, रोकना उसे भी आता है। इंडिया के पास ये वो जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये बड़ा पटाखे का कॉम्बिनेशन है, मतलब बनाओगे तो चस आ जाएगी। बांग्लादेश का तो घंटा बजेगा।